A very good afternoon, bachcha log. Welcome back to our channel, New Indian Era. Myself, Burhanuddin MK, and आज हम लेके आ गए हैं आपके वन शॉट रिविजन यूट्यूब पे. सो बच्चो, आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, मुझे पता है मैं लॉन्चिंग के ऐप में नहीं था, लेकिन 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 उस समय जो मुझे बोलना था वो आज मैं जरूर बोलूंगा. ओके, रियली रियली प्राउड टू अनाउंस दिस वन शॉट रिविजन ऑन यूट्यूब. बच्चे थोड़े से डिमोटिवेट हो गए थे कि सर यूट्यूब वाले का क्या होगा, सर हमारा क्या होगा जो हम पे नहीं कर पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, लेकिन मुझे भी और आपको भी आपके सेंटा क्लॉस पे भरोसा था. यस, हमारा सेंटा क्लॉस कौन नहीं है बट प्रशांत भैया. और बिल्कुल एक दिन पहले क्रिसमस के जो गिफ्ट वो हमारे लिए लेके आए हैं वन शॉट रिवीजन का, नॉट ओनली फिजिक्स, नॉट ओनली केमिस्ट्री, नॉट ओनली मैथ, नॉट ओनली बायोलॉजी, बट ऑल्सो इंग्लिश ज्योग्राफी. यस गाइस, सो बहुत बड़ा गिफ्ट था ये हमारे सेंटा क्लॉस की तरफ से. सो लेट अस यूटिलाइज दैट गिफ्ट इन ऑल 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 पॉसिबल मैनर. ओके, तो कैसे हो आप सब? यहां स्टार्ट कर दूंगा. कैसे हो गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. ओके, जस्ट अ मिनट, एक जरा यहां पर स्क्रीन पे आप लोगों के कमेंट्स देख लूं मैं. आ गया आ गया आ गया आ गया. हेमंत भैया, ओके, हेलो हेलो हेलो. Yes, सब करेंगे गाइज, डोंट वरी. ओके, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं गाइज. जैसे आप सबको पता है कि ये हमारा वन शॉट रिविजन है. ओके, सो डिटेल, ओके, नो डाउट हम लोग हर एक टॉपिक समझेंगे, डेप्थ में समझेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है गाइज कि हर चीज आपको राइटिंग में ना मिले. ओके, वो राइटिंग अगर आपको चाहिए तो हमने ऑलरेडी अपने कंसेप्ट बैच में सब कुछ डिटेल में लिया था, तो आप नोट्स वहां से ले सकते हो. यहां पर हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे. ओके, डेरिवेशंस का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, डेरिवेशन कैसे बन रहा है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं गाइस. तो सिक्स चैप्टर, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव. ये छह चैप्टर्स मैं लूंगा, बाकी 10 चैप्टर आपके अज्जू सर लेंगे. ठीक है गाइस, सो एक्साइटेड है सब लोग? एक मिनट, मैं भी जरा एक बार YouTube खोल दूं मेरा. ओके, सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव अहेड. हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स. क्या स्टार्ट करेंगे मेरा बच्चा? रोटेशनल डायनामिक्स. ओके, अब बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर है अपना, ये चैप्टर मेरा बच्चा पूरे दो पार्ट में डिवाइडेड है. जस्ट अ मिनट, इसका पेन सिलेक्ट करना है मुझे. यस, ये अपना दो पार्ट में डिवाइडेड है. करेक्ट गाइस, सबसे पहला पार्ट है हमारा सर्कुलर मोशन. सबसे पहला पार्ट क्या है मेरा बच्चा? सर्कुलर मोशन. और दूसरा पार्ट क्या है मेरा बच्चा? रोटेशनल मोशन. हमारा जो पूरा चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है सर्कुलर मोशन, दूसरा पार्ट है रोटेशनल मोशन. गाइस, हम लोग आज इसी की बात करने वाले हैं, इसी की, ओनली दिस पार्ट. आज के लेक्चर में 1 hour 30 minutes या 1 hour 20 minutes जितने भी होता है, हम आज ये पार्ट खत्म करेंगे, और वेडनेसडे के लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन पूरा खत्म करेंगे. भगाना भी नहीं है एकदम ज्यादा, मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए. ओके, तो अब जब मैं रोटेश का सर्कुलर मोशन की बात करता हूं गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, ओके, तो सर्कुलर मोशन में गाइस हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं जरा एक बार देख लेते हैं. व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन सर्कुलर मोशन गाइस, एक मिनट. यस, क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले सर्कुलर मोशन में? सबसे पहले हम लेंगे सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम इंट्रोडक्शन के. व्हाई? बिकॉज हमें बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वहां
उस पार्ट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन में जाएंगे, इंट्रोडक्शन में बेसिक्स होगा सर्कुलर मोशन का, जो हम ऑलरेडी 11th चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं वो देखेंगे। उसके बाद गाइस जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। करेक्ट, ये देखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। उसके बाद हम देखेंगे मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। क्या देखेंगे बेटा, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, के एक बैंक रोड पे, यहां पर ही हम देखेंगे व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है वो भी हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट ओके। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। एक बैंक रोड पे व्हीकल का मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड क्या होगा हम ये देखेंगे। उसके बाद गाइस हम देखेंगे मोशन ऑफ अ व्हीकल इनसाइड वॉल ऑफ डेथ। मोशन ऑफ व्हीकल इनसाइड अ वॉल ऑफ डेथ, जब वॉल ऑफ डेथ में, मौत के कुएं में व्हीकल मूव हो रहा है तो उसका मिनिमम स्पीड क्या होगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये चीजें हमें आज के लेक्चर में कवर करनी है गाइस, ये सारी चीजें हमें आज के लेक्चर में कवर करनी है। तो एक्साइटेड ऑल ऑफ यू, एक्साइटेड गाइस, जरा जल्दी से थम्स अप बता दो मुझे, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से थम्स अप दिखा दो गाइस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अद्वैत अद्वैत रॉय वानखेड़े, बहुत सारे बच्चे, जुबीन, बहुत सारे बच्चे, पुराने बच्चे भी आ गए अपने, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा गाइस आज आप सबको देख के अगेन। स्वप्निल, स्वप्निल है कि नहीं, स्वप्निल पवार लेक्चर में है कि नहीं मेरा बच्चा, कृष्णा, सुपर्ब सुपर्ब गाइस सुपर्ब। चलो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, आपको क्लियर हो गया आज हम लोग क्या देखने वाले, ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले डिटेल के अंदर, ये सारी चीजें, ये पार्ट जो है ये मैं, जब आज हम इसकी बात ही नहीं करने वाले तो मैं आज बताता नहीं हूं आपको, क्यों अननेसेसरी 5-10 मिनट वेस्ट करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो पहले ही सर इतना प्रेशर है, देखो तो सही, प्रेशर इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यस पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। ओके, तो ये पार्ट हम लोग वेडनेसडे के दिन ही बात करेंगे, श्योर। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, अब मैं एक स्क्रीन में आपके लिए छोड़ रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं इसके टॉपिक पे जरा देख लो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है हेडिंग गाइस इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे ही हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैं यहां पर एक एक करके लिखते जाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको ये सेकेंड स्लाइड में दे दिया है। फर्स्ट स्लाइड हम क्या करने वाले आज के, ओके और बच्चों तुरंत जरा एक बार जरा जल्दी से लाइक ठोक दो, जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो, जल्दी से अनुराग
अनुराग बोल रहा है सर आपके बोलने के पहले ही लाइक कर दिया है, क्या बात है अनुराग, वेरी गुड। जल्दी से एक लाइक ठोक दो बच्चों, तो आगे बढ़ते हम लोग। क्या बात है बच्चे, लाइक के साथ साथ दिल भी दे रहे हैं, आग फायर, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब गाइस। ओके ठीक है, तो यहां पर गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, एक के बाद एक के बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में से, वो मैं पढ़ाते जाऊंगा, पीछे आके लिखते जाऊंगा आपके लिए, ठीक है गाइस, ताकि आपको जब पीडीएफ फॉर्मेट में एक नोट्स मिलेंगे तो चैप्टर पे जाने के पहले आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इस चैप्टर से, इस कंसेप्ट से पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव अहेड। अब हम जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे गाइस, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन में गाइस, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है गाइस, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, क्या है सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सर्क्यूलर मोशन के गाइस, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून, मून जो इर्द गिर्द चक्कर लगाता है ना अर्थ के, वो कौन सा मोशन है गाइस, सर्क्यूलर मोशन है गाइस, ठीक है। अच्छा अब बेटा, जब एक बॉडी लीनियर मोशन में होती है, लीनियर मोशन में, तो हम उस बॉडी का क्या क्या स्टडी करते हैं कि भाई बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बॉडी का स्पीड कितना होगा, कितने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो जब सर्कुलर मोशन में भी आते हैं हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जो पहले समझनी है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या समझना है मेरा बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं थीटा। तो गाइस जरा ध्यान दो यहां पर, ओके, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जब एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है मेरा बच्चा, सर्कुलर मोशन, ओके, ओके, सपोज इनिशियली मेरा पार्टिकल ए पे है, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से टाइम के बाद वो ए से कहां पहुंचा, बी, ए से कहां पहुंचा, बी, करेक्ट। अब बेटा ये आपको ओ ए दिख रहा है, ओ ए, ओ ए को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, क्या कहते हैं मेरा बच्चा, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर क्या होता है बेटा, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, रेडियस वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो हमने सर्कल के सेंटर से कहां तक बनाया, पार्टिकल की पोजिशन तक, उसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। तो बेटा जब मेरा पार्टिकल ए से बी गया, जब मेरा पार्टिकल ए से बी गया, तो मेरे रेडियस वेक्टर ने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल ट्रेस किया, क्या आपको यह एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर, जब मेरा पार्टिकल ए से बी गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, तब मेरे रेडियस वेक्टर ने सर्कल के सेंटर पे एक एंगल ट्रेस किया, इस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब बेटा अगर आप अच्छे से देखो ना, तो ये एक सेक्टर है, सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर, दिख रहा है आपको, अब मुझे कर्व चाहिए, कर्व 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 कर्व, अरे ये तो अलग ही आ गया, कुछ नॉर्मल, करेक्ट। तो ये एक सेक्टर की तरह दिख रहा है गाइस, ये है आपका थीटा, ये है आपका आर, और ये होता है एस, क्या होता है बेटा, एस, करेक्ट। भाई गाइस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैथ्स में 11th स्टैंडर्ड में, लेंथ ऑफ आर्क, क्या पढ़ा था गाइस, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है बेटा, रेडियस
इंटू सेंट्रल एंगल. क्या पढ़ता है गाइस? रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल. तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस, रेडियस मतलब आर, और सेंट्रल एंगल मतलब थीटा. तो मेरा बच्चा यहां से थीटा क्या मिलेगा? थीटा विल बी एस अपॉन आर. थीटा क्या मिला मेरे बच्चे को बेटा? एस अपॉन आर. एस आई यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियंस. एस आई यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियंस. इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी है मेरा बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी है. ओके. इट्स डायरेक्शन इज गिवन by right hand thumb rule. कैसे मिलता है उसका direction बेटा? Right hand thumb rule. Okay. Imagine the axis of rotation to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. Imagine the axis of rotation to be held in your right hand with fingers curled and thumb outstretched. ये इमेजिन करो कि आपका जो पार्टिकल रोटेट हो रहा है ना, वो रोटेट कैसे हो रहा है. इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड. जो रोटेशन का एक्सिस है वो आपके राइट हैंड में है, ताकि आपकी फिंगर्स कर्ल ले और थंब कैसा है? आउटस्ट्रेच. अगर कर्व्ड फिंगर पार्टिकल का मोशन बता रहा है, अगर कर्व्ड फिंगर क्या बता रहा है बेटा? पार्टिकल का मोशन. तो आउटस्ट्रेच थंब क्या दिखाएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर कर्ल फिंगर्स क्या बता रहा है बेटा? मोशन ऑफ पार्टिकल. तो आउटस्ट्रेच थंब क्या बताएगा मेरा बच्चा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? श्योर बेटा? देखो, एज अ रूल आपको यह पूछा नहीं जाने वाला है, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, टेंशन मत लो. फिलहाल आप डायरेक्शन के लिए याद रखो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है बेटा. अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने हाइट राइट हैंड में पकड़ते हो और आपकी फिंगर्स क्या बता रही है? मोशन ऑफ पार्टिकल. तो आउटस्ट्रेच थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो नीचे जाएगा. अरे एंटी क्लॉक, क्लॉक ऐसे चलती है ना. तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ऊपर, क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो नीचे. एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, क्लॉकवाइज नीचे. एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, क्लॉकवाइज नीचे. करेक्ट? अगर आपको याद हो बेटा तो आप बचपन में अगर आपने वो पंखे से खेला था, पंखे से प्लास्टिक के, तो आप जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे ना तो वो ऊपर जाता था, और जब क्लॉकवाइज घुमाते थे तो नीचे जाता था. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते मेरा बच्चा. अब आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर. किस पे आते बेटा? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है मेरा बच्चा? ओमेगा. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ओमेगा क्या है मेरा बच्चा? थीटा अपॉन टाइम. ओमेगा क्या है मेरा बच्चा? थीटा अपॉन टी, टाइम. करेक्ट? एस आई यूनिट इज रैड पर सेकेंड. डायमेंशन इज एल जीरो एम जीरो टी माइनस वन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा. अरे बेटा, जब मेरा पार्टिकल लीनियर मोशन में भागता था, हम डिस्प्लेसमेंट लेते थे. डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता था. तो जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, जो एंगल डिस्क्राइब किया रेडियस वेक्टर ने सर्कल के सेंटर पे.
अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रेट से चेंज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा अपॉन टाइम। पक्का इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है मेरा बच्चा, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था वही एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, अब वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी के बाद कहां पर आएंगे? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या है मेरा बच्चा, जरा ध्यान देना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे हमें एक और एक फॉर्मूला मिलता है, कौन सा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, एक और एक फॉर्मूला मिलता है इससे हमें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना ये बेसिक फॉर्मूला क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे तुरंत बढ़ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बच्चों आई होप सो सबने वीडियो को लाइक कर दिया है, ठीक है, सबने वीडियो को लाइक कर दिया आई होप सो। चलो तो बढ़ते आगे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है गाइस, सुनो मेरी बात अच्छे से, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अरे बाबा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा अपॉन टी, अल्फा क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ओमेगा अपॉन टी। SI यूनिट इज रैड पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट क्या है मेरा बच्चा, रैड पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन आर एल जीरो एम जीरो टी माइनस टू, एल जीरो एम जीरो टी माइनस टू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला बच्चों, इसका डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ है या एंगुलर वेलोसिटी को अपोजिट है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ होगा या एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो सर कब साथ होगा कब अपोजिट होगा, याद रखना व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, लिखता हूं यहां पर मैं, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस अल्फा एंड ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस अल्फा एंड ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब वेलोसिटी क्या होता है मेरा बच्चा, डिक्रीज होता है, ओके
अल्फा एंड ओमेगा हैव अपोजिट डायरेक्शन. करेक्ट बच्चों, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, एकदम पक्का. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बेसिक टर्म्स है गाइस जो हमें समझने हैं. ठीक है, अब जाते हैं हम लोग यूसीएम पे. व्हाट इज यूसीएम? इट इज द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी. पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. घड़ी के कांटे अपने आप को रिपीट करते हैं, सेकेंड का कांटा हर एक मिनट में, मिनट का कांटा हर एक घंटे में, आर का कांटा हर 12 घंटे में. करेक्ट, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन. तो यूसीएम क्या है, पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विद अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड क्या होता है, कॉन्स्टेंट. तो यूसीएम में ओमेगा होता है कॉन्स्टेंट. यूसीएम में ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है. तो अल्फा कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, कोई जवाब देगा? अगर यूसीएम में ओमेगा कॉन्स्टेंट है, अगर यूसीएम में ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो अल्फा कितना हो जाएगा, कोई जवाब देगा मुझे? अल्फा क्या हो जाएगा अंकिता? वेरी गुड बेटा रिहान, वेरी गुड रिहान चौधरी. क्या बात है, क्या बात है बच्चों, सुपर सुपर सर. अल्फा हो जाएगा जीरो. बहुत 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 बेहतरीन जवाब, अल्फा सर जीरो हो जाएगा. अब आते हैं गाइस टाइम पीरियड पे. व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन के लिए पार्टिकल को जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड. करेक्ट, तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो, टी इज इक्वल्स टू 2π/ω. टी का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2π/ω. फिलहाल डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो गाइस. ठीक है, अच्छा अब तो यहां से ओमेगा का एक और एक फॉर्मूला बनता है 2π/T. ओमेगा ऊपर टी नीचे, ओमेगा का एक और फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, 2π/T. पक्का? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा बच्चा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड. इट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, टाइम पीरियड का उल्टा. फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का उल्टा. तो क्या हो जाएगा, एन विल बी उल्टा ओमेगा अपॉन 2π. एन क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π. करेक्ट मेरा बच्चा, श्योर. तो यहां से ही व्हाट विल बी ओमेगा, ओमेगा विल बी 2πn. तो गाइस तेरे को ओमेगा का एक और एक फॉर्मूला मिला. अब बच्चा जरा आप देख रहे हो आपके पास ओमेगा के कितने फॉर्मूले बन गए, एक ओमेगा 2πn है, एक ओमेगा 2π/T है, एक ओमेगा v/r है और एक ओमेगा θ/T है. तो सर कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा आपके गिवन डेटा से. मुझे फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो मैं 2πn यूज करूंगा, मुझे अगर टाइम पीरियड दिया है कैपिटल टी तो मैं 2π/T यूज करूंगा, अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी और सर्कल का रेडियस दिया है तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू v/r यूज करूंगा, और अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और छोटा टी टाइम इंस्टेंस, छोटे टी को क्या कहते हैं बेटा, टाइम इंस्टेंस, कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड, अगर मुझे थीटा दिया है और छोटा टी दिया है टाइम इंस्टेंस तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. क्लियर मेरा बच्चा, एकदम पक्का, श्योर. ओके, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे. क्या, बोर्ड पर ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यू सी एम.
एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम. बेटा ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन. क्या है फॉर्मूला? ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में डिराइव किया था गाइस. ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर. तो यही पे इसका ही अलग अलग फॉर्म, इसके ही अलग अलग फॉर्म. व्हाट इज ए? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी एक फॉर्म है. इसी के अलग अलग फॉर्म. ए क्या है बेटा? वी स्क्वायर अपॉन आर. इसका एक और एक फॉर्म है. क्या मेरा बच्चा? ए इज इक्वल्स टू वी ओमेगा. ए इज इक्वल्स टू वी ओमेगा. ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है. खाली ये जो फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये डालते जाओ. जैसे ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? v बाय आर. तो अगर मैं इसमें v बाय आर डाल दिया, सॉरी गाइस, ओके, तो अगर मैंने ओमेगा की जगह पे v बाय आर डाला यहां पर, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक आर कैंसिल, तो v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा. पक्का मेरा बच्चा? और अगर मैंने आर ओमेगा को वी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू वी. तो मतलब यही एक फॉर्मूला है और ये उसके अलग अलग फॉर्म है. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है? श्योर. अच्छा, अब इसी के साथ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं. दैट इज नथिंग बट गाइस, आई होप सो ये कलर विजिबल है. ये शायद विजिबल तो होगा ही, तो भी मैं चेंज कर देता हूं. सर सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है गाइस, समझो अच्छे से, ठीक है बेटा. इन सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट इट्स डिरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली. जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, नंबर हमेशा क्या रहता है मेरा बच्चा? कॉन्स्टेंट रहता है. क्या रहता है? कॉन्स्टेंट. लेकिन जो उसका डिरेक्शन है ना, वो बार बार चेंज होते रहता है. बार बार क्या होते रहता है? चेंज. इसीलिए सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है? एक एक्सेलरेटेड मोशन है. जैसे अगर सुनो मेरी बात सुनो मेरा बच्चा, ये एक पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ध्यान दो. जब पार्टिकल यहां है तो उसका वी ऐसा है, जब पार्टिकल यहां है तो उसके वी का डिरेक्शन ऐसा है. थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, करेक्ट. तो जब पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है, ओके, उसका वेलोसिटी का डिरेक्शन चेंज हो रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है. मैग्नीट्यूड क्या है मेरा बच्चा? कॉन्स्टेंट. व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट वेलोसिटी का डिरेक्शन बार बार क्या होता है मेरा बच्चा? चेंज होता है. जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन. सर्क्यूलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन बाबा ने क्या बोला था? अगर एक बॉडी कंटिन्यू किसमें है, अगर एक बॉडी कंटिन्यू किसमें है? मोशन में, तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई होना चाहिए. अगर बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो उसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई होना चाहिए. दैट फोर्स इन दिस केस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कॉन्स्टेंट फोर्स सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स होता है मेरा बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स.
द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज डिरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. उसका डिरेक्शन क्या होता है मेरा बच्चा? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, सेंटर के अलोंग, रेडियस के अलोंग सेंटर के तरफ, रेडियस के अलोंग सेंटर के तरफ, ये है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन. जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो डायरेक्शन ऑफ, ओके, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है. कौन सा फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कहां पर डायरेक्टेड है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. अब बच्चा हमेशा याद रखना, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, तो वो सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको कोई फोर्स घुमा रहा है. और वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स. अब अलग अलग केसेस में सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? बदलता है. कैसे? इन केस ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ, जब बेटा सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है, ओके, तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. थोड़ा यहां पर मैं डेप्थ में जा रहा हूं मेरा बच्चा, समझना जरा. करेक्ट, जब एक सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, अरे अपना इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है ना, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है मेरा बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो बच्चों याद रखना, जब कभी भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन लेता है या कर्व ट्रेस करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर कोई ना कोई एक कंपोनेंट देता है. जैसे अर्थ और सैटेलाइट के केस में कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के केस में कौन था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वैसे ही जब एक गाड़ी एक कर्व ट्रेस करती है, तो वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन पैदा करता है? फ्रिक्शनल फोर्स. ये कंसेप्ट है अपने 12th स्टैंडर्ड का सबसे पहला पार्ट. अब तक तो बच्चा हम लोग बेसिक में खेल रहे थे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया ना, तो आगे का पार्ट बहुत मस्के की तरह फटाफट जाएगा. तो याद रखना गाइज, जब कभी भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा या एक कर्व ट्रेस करेगा, तो वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप होगा और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कोई फोर्स से बैलेंस भी होगा. जैसे यहां पर अलग अलग केसेस में अलग अलग ये है. क्लियर, एकदम पक्का गाइस? अच्छा, अब सेंट्रीपेटल फोर्स ना, एक फोर्स ही है ना, एफ सी पी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ सी पी इज इक्वल टू मास, व्हाट इज एक्सेलरेशन? ये रहे एक दो तीन, तीन फॉर्मूले, कोई भी उठा के रख दो. मैं ये वाला लेता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हैं. अरे फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से उठाई, और यहां पर पुट कर दी. अब बेटा ये जो पढ़ाया ना मैंने, ये जो पढ़ाया ये बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स. मार्च 2017 मार्च 2017 दो मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है.
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर बच्चा, आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मोशन ऑफ अ व्हीकल ओवर अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। मोशन ऑफ अ व्हीकल ओवर अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक, करेक्ट। मतलब अगर एक हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक है, करेक्ट, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मेरा बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। इसके ऊपर एक कार मूव हो रही है, करेक्ट। तो कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m, हम कंसिडर करते हैं एक व्हीकल जिसका मास कितना है m, मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर r, करेक्ट। अरे हमारा जो व्हीकल है वो एक कर्व्ड रोड के अलोंग मूव कर रही है विद रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो जब एक गाड़ी कर्व ट्रेस करेंगी तो यहां पर क्या डेवलप होगा, कौन सा फोर्स डेवलप होगा बच्चों, जरा आंसर दोगे। जब एक गाड़ी कर्व ट्रेस करेंगी तो कौन सा फोर्स, वेरी गुड हर्षु, वेरी गुड। सेंट्रीपेटल फोर्स, सुपर्ब, क्या बात है। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, जब ये गाड़ी टर्न, तो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू ट्रेस द कर्व, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, अग्री करेंगे मेरे बच्चे, अरे हाँ के नहीं मेरा बच्चा। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू ट्रेस द कर्व इज गिवन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, पक्का। अच्छा, आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर अभी पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू एस एन, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस एन। गाइस 11th में पढ़ा था एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, 11th में, करेक्ट। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू एस, एन की जगह पे एम जी। नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है अकॉर्डिंग टू वेट, तो एम एम कैंसल हो गया, तो वी स्क्वायर क्या मिला मेरे बच्चे को, म्यू एस आर जी। तो वी कितना मिल गया बेटा, रूट ऑफ म्यू एस आर जी, पक्का। This is the expression for maximum speed of a vehicle on a curved horizontal road. Correct, मेरा बच्चा, ये maximum speed है एक vehicle का on a curved horizontal road. V is equal to root of म्यू एस आर जी। एक बार रिकॉल कर रहा हूं मैं, अच्छे से सुन लो, ठीक है। क्या हमने एक क्या लिया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मोशन ऑफ व्हीकल ओवर अ हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर ट्रैक। ओके, हमने एक हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलर, हॉरिजॉन्टल क्यों, फ्लैट है वो, फ्लैट हॉरिजॉन्टल क्यों, फ्लैट है, करेक्ट। हमने एक व्हीकल लिया जिसका मास है m, जो मूव हो रहा है अलोंग अ कर्व्ड रोड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब उसको जो कर्व ट्रेस करना है, तो कर्व ट्रेस करने के लिए उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपेटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करेगा, तो मुझे बच्चों ने बोला सर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो मैंने लिखा सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। अरे बेटा गाड़ी जब चलती है रोड पे, कर्व ट्रेस किया तो रगड़ता है ना टायर,
रगड़ेगा तो चमकेगा, अज्जू सर का डायलॉग याद है कि नहीं, रगड़ेगा तो चमकेगा, करेक्ट। तो गाड़ी का टायर जब रगड़ता है रोड से तो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प करता है कर्व ट्रेस करने के लिए, मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स किसका काम करता है वहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो हमने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मिला हमें 11th से। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी, एक एम, एक एम कैंसिल, आर को ऊपर भेजा, वी स्क्वायर क्या मिला, म्यू एस आर जी, तो वी क्या मिला, रूट ऑफ म्यू एस आर जी। क्लियर गाइस, एकदम पक्का। This is the maximum speed of a vehicle on a curved horizontal road. अब याद रखना, ये जो वैल्यू है ना velocity का, मैं इसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकता हूं। क्यों नहीं बढ़ा सकता हूं? क्योंकि अगर मुझे v को बढ़ाना है मतलब मुझे μs को बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर μs को बढ़ाना है मतलब रोड को क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। और अगर मैं रोड को रफ करता हूं तो वो मेरे टायर का वियर एंड टियर कॉज करता है। वियर एंड टियर मतलब क्या, वो मेरे टायर की लाइफ कम करता है, तो पॉसिबल है नहीं। दूसरी बात, ये जो μs का वैल्यू है ये रिलायबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं रहता है, ये डिक्रीज होते जाता है। सर क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जब कभी भी बारिश होती है बेटा, बारिश होती है तो फ्रिक्शन नहीं मिलता है ना, गाड़ियां स्केट मारती है बारिश में, तो जब कभी भी बारिश होती है ये μs का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। ओके, या फिर जब रास्ते पे ऑयल स्पिल हो जाता है, रास्ते पे क्या गिर जाता है, ऑयल, उसकी वजह से भी μs का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज। अच्छा, μs का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है मतलब v का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी धीरे 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 करके कम होते जाता है। तो सर क्या करने का, कर्व पे गाड़ी नहीं चलाने का? अरे नहीं, इसीलिए तो हम रोड को क्या करते हैं बेटा, बैंक। और अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। समझ आया क्यों हम रोड को बैंक करते हैं? क्योंकि ये सारे कारण है। ये जो मैक्सिमम स्पीड है ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, μs पे। ना मैं μs की वैल्यू बढ़ा सकता हूं क्योंकि वो मेरे टायर की लाइफ कम कर देगा, इट विल कॉज वियर एंड टियर ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल। या फिर ये μs, और ये जो μs की वैल्यू है ये रिलायबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। क्यों सर? बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल एंड व्हेन इट रेन्स, देयरफॉर रोड्स आर बैंक। और अभी हम आ जाते हैं फिर से अपनी पहली स्लाइड पे, सेकेंड, एक्सप्लेन द नेसेसिटी फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। गाइस, मार्च 2014 में 2 मार्क के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द नेसेसिटी फॉर बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर मेरा बच्चा? एकदम पक्का, श्योर। अब आ जाए बैंकिंग ऑफ रोड पे। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है बेटा? द फेनोमिनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, द फेनोमिनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज, ओवर इट्स इनर एज। एक ऐसा फेनोमिनन जिसमें हम रोड की आउटर एज को क्या करते हैं, रेस करते हैं, किसके ऊपर, इनर एज के ऊपर, बाय सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, बाय सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, द फेनोमिनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज बाय सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। उसे क्या कहते हैं हम, बैंकिंग ऑफ रोड। चल मेरा बच्चा यहां जरा ध्यान दे, ध्यान दो मेरे बच्चों। सपोज ये आपका रोड है जो बैंक है एट एन एंगल थीटा, इसके ऊपर एक नन्नी सी मुन्नी सी गाड़ी है, करेक्ट, ये गाड़ी है इसके ऊपर, ठीक है, ये एक बैंक रोड है। देखो ये आउटर एज है, ये ऊपर का हिस्सा होता है आउटर एज, नीचे का हिस्सा होता है इनर एज। ओके, अब ये गाड़ी कैसी है बेटा, ये गाड़ी ना ऐसे अपने बोर्ड के बाहर निकल रही है, मतलब ये गाड़ी ऐसे कर्व ट्रेस कर रही है, ऐसे बोर्ड के बाहर निकल रही है। क्लियर, एकदम पक्का। अच्छा सुनो मेरी बात, तो इस समय इस गाड़ी पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा कितने फोर्सेस? एक सरफेस को परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होता है,
सरफेस को परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होता है? कोई मुझे बताएगा बच्चों, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होता है? रॉय वानखेड़े, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, सुपर्ब। रोनाल्डो, वेरी गुड, नॉर्मल रिएक्शन होता है सर, नॉर्मल रिएक्शन, क्या बात है, एन बराबर, ओके। और बच्चों नीचे की तरफ क्या एक्ट करता है? हमेशा नीचे की तरफ क्या एक्ट करता है? एक बॉडी का नीचे की ओर क्या एक्ट करता है? वेरी गुड वसु, राजवर्धन, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बच्चों, बढ़िया सर। वेट एक्ट करता है नीचे की ओर, एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है सबका, एकदम चुम्बेश्वरी, एकदम चुम्बेश्वरी है परफॉर्मेंस बच्चा सबका, मैं बोल रहा हूं, मेरे बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं जोरदार एकदम, ठीक है एमजी। ये ऊपर गया एन, नीचे गया जी। अब बेटा अब बच्चे को सबसे बड़ा डाउट ये होता है, सर सर हम एक क्वांटिटी को कंपोनेंट में क्यों रिजोल्व करते हैं? मजा आता है क्या फिजिक्स के टीचर को? अरे नहीं, ये अपनी सजा है रे बाबा, सजा है ये अपनी। बेटा याद रखना, देख एक होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। अब तेरा फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन, तेरा फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन या तो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है या तो वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड है। अगर तेरे फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड है या वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड है तो चलेगा, लेकिन अगर अगर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा है, जरा चेक कर, जरा चेक कर मेरा बच्चा, ये जो है तेरा तेरा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है, तेको दिख रहा है क्या? करेक्ट, श्योर, अरे हाँ कि नहीं बच्चा लोग? देखना ये वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है, कितना एंगल अपने को मालूम नहीं, बाद में देखते हैं, करेक्ट। तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ अलाइन नहीं है तो आपको उसे कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। बेटा एमजी तो देख वर्टिकल के साथ जा रहा है, चेक कर, तो क्या मैं एमजी को रिजोल्व करूंगा? बच्चों बोलो, क्या मैं एमजी को रिजोल्व करूंगा? बच्चों जरा बताओ, क्या मैं एमजी को रिजोल्व करूंगा, हां कि नहीं, जल्दी से, क्या बात है, नो नो नो, यस कौन बोल रहा है, यस यस कौन बोल रहा है बेटा? अरे एमजी, बेटा एमजी तो वर्टिकल के साथ अलाइन है ना, क्या वो वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना रहा है? एन अलाइन था क्या? नहीं, एन एक एंगल बना रहा था, इसीलिए हमने एन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया। ये वाला कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट है एन साइन थीटा। सर आपको कैसे पता चला ये कॉस है और ये साइन है? तो याद रखना ये एंगल थीटा है, थीटा के बाजू वाला एंगल होता है कॉस, उसके अपोजिट वाला हो जाता है साइन। थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है बेटा? कॉस, और अपोजिट वाला क्या हो जाता है? साइन। याद रखना, दिमाग में बांध के रख, थीटा के बाजू वाला कॉस, बाकी वाला साइन, थीटा के बाजू वाला कॉस, अपोजिट वाला साइन, थीटा के बाजू वाला कॉस, अपोजिट वाला साइन, एकदम पक्का, श्योर, अरे हाँ कि नहीं? तो यहां पर बेटा, यहां पर इस केस में एन कॉस थीटा को किसने बैलेंस किया है? एमजी ने। एन कॉस थीटा को किसने बैलेंस किया है? एमजी ने। और बेटा ये एन साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है? अगर मेरा गाड़ी ऐसे रोड से बाहर निकल रहा है तो वो कर्व ऐसे बना रहा है ना, मेरा गाड़ी ऐसे बाहर निकल रहा है, गाड़ी ऐसे बाहर निकल रहा है ना, तो ये एन साइन थीटा कहां जा रहा है, किसकी ओर डायरेक्शन बता रहा है? एन साइन थीटा किसकी ओर डायरेक्शन बता रहा है? स्मार्ट वर्क, वेरी गुड, बच्चा बोल रहा है सर सेंटर की ओर बता रहा है, सुपर्ब। रेडियस की ओर बता रहा है, वो भी चलेगा आंसर, क्या बात है, क्या बात है, बच्चे बोल रहे सर वो
सेंटर की तरफ जा रहा है, और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स जाता है गाइस, जरा बता दो, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स जाता है गाइस? अक्षदा बोल रही है सर सेंट्रीपिटल फोर्स जाता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, क्या बात है गाइस। तो तेरा एन साइन थीटा विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इट विल बी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, पक्का? ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर टू। अरे सर एन कॉस थीटा एम जी बैलेंस हो गया, और एन साइन थीटा का डिरेक्शन सर्कल के सेंटर की ओर है, तो वो इक्वेट किससे हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब जरा दोनों को डिवाइड कर, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन तो क्या मिलेगा बोल, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, चलेगा? एन एन कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया बेटा टैन थीटा, एम एम कैंसल, ये आर नीचे आ गया तो क्या मिला वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो मेरा बच्चा वी स्क्वायर क्या मिला, वी स्क्वायर आर जी टैन थीटा, वी स्क्वायर क्या मिला आर जी टैन थीटा। तो मेरा बच्चा वी कितना मिल गया, वी रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, बराबर बेटा? दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ये एक ऑप्टिमम स्पीड है व्हीकल का, किसके ऊपर, एक बैंक रोड के ऊपर, अगर हम लोग फ्रिक्शनल को कंसिडर नहीं करते। यहां पर हमने अब तक गाड़ी के टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है, तो ये ऑप्टिमम स्पीड है व्हीकल का, करेक्ट? आपको बहुत सी बार क्वेश्चन आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, तो ये उसका आंसर है, ठीक है? आगे आपको स्टेटमेंट लिखने, वो आई गेस आप लोग लिख लोगे। अच्छा यही से क्या मिला आपको, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये ना, तो अगर टैन उधर गया तो थीटा क्या मिलेगा बेटा, टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, ये किसका एक्सप्रेशन है मेरा बच्चा, एंगल ऑफ बैंकिंग, एकदम पक्का मेरा बच्चा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है? एक सिर्फ एक मिनट का ब्रेक दे दो मेरे को, एक मिनट, मैं पानी पी रहा हूं, एक मिनट सिर्फ। यस, आप लिख सकते हो गाइस, लिख सकते हो। मैं ये देख पा रहा हूं अब तक सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, क्या हो गया, बच्चे लोग नाराज है क्या, अब तक लाइक नहीं हुआ है गाइस वीडियो, बच्चों वीडियो अब तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, जरा जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो। बैंकिंग ऑफ रोड का असली मीनिंग ये है कि हम रोड का आउटर एज उठाते हैं थोड़ा सा उसके इनर एज के ऊपर, ताकि हमारा गाड़ी स्मूथली एक कर्व ट्रेस कर सके, ताकि हमें वहां पर स्पीड लिमिट कंट्रोल करना पड़े, ये होता है असली मीनिंग बैंकिंग ऑफ रोड का गाइस। चलो सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइस, लेट्स मूव अहेड। अब जाते हैं हम लोग
मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड. मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड. एक बैंक रोड पे मैक्सिमम स्पीड क्या होगा व्हीकल का. ठीक है, तो डायग्राम रिमेन सेम गाइस. डायग्राम जो है वो बहुत ही सेम रहेगा. ठीक है, ये आपका थीटा. ठीक है, ये अपना गाड़ी. ठीक है, जो आपने बोला था सर सरफेस को परपेंडिकुलर जाएगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा वेट एम जी. करेक्ट. अब बेटा मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड में ना हमें फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करना है. ऑप्टिमम या सेफ स्पीड में, मोस्ट सेफ स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड दोनों सेम है गाइस. बच्चे कुछ सवाल पूछे सर मोस्ट सेफ स्पीड, दोनों सेम है. मोस्ट सेफ स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, तो टेंशन मत लो गाइस. श्योर. अच्छा अब यहां ध्यान दो, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड में आपको फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करना है. अब बेटा थोड़ा सोचो, जब मैं गाड़ी स्पीड में चला रहा हूं और मैं कर्व को ट्रेस करता हूं, जब मैं गाड़ी स्पीड में चला रहा हूं और मैं कर्व को ट्रेस करता हूं, तो मेरा गाड़ी आउटर एज की ओर जाता है या इनर एज की ओर आता है. बोलो बच्चों, जब मैं गाड़ी तेज चला रहा हूं तेज और मैंने कर्व ट्रेस किया, तो मेरा गाड़ी आउटर एज की ओर जाएगा या इनर एज की ओर आएगा. कोई जवाब देगा? किशोर वेरी गुड. क्या बात है, क्या बात है यार, इतने स्मार्ट बच्चे. बच्चे बोल रहे सर बट नेचुरली आउटर एज की ओर जाने वाला है आपका गाड़ी, क्योंकि आप स्पीड में हो. तो अगर मेरा गाड़ी आउटर एज की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट एक्ट करता है. तो अगर गाड़ी आउटर एज की ओर जा रहा है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इनर एज की ओर आएगा. कहां आएगा मेरा बच्चा? इनर एज की ओर. करेक्ट. चलो यहां देखो, नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. ऊपर वाला n cos थीटा सेम जो इसके पहले किया था, ये वाला n sin थीटा. अग्री करेंगे क्योंकि ये एंगल थीटा है. बराबर. अच्छा मेरी बात सुन मेरा बच्चा, देख ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा. क्यू अल्टरनेट एंगल. जरा देख अल्टरनेट एंगल. अब तेरा fs जो है fs भी देख हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे, तो मुझे fs को भी क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा. fs को भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर n वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा था इसलिए उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया. यहां पर fs हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है तो मुझे उसे भी कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा. बराबर मेरा बच्चा. और वो कंपोनेंट कौन सा है? पहला तो ये वाला कंपोनेंट और दूसरा ये वाला कंपोनेंट. करेक्ट. थीटा के नजदीक वाला एफ कॉस थीटा और अपोजिट वाला एफ साइन थीटा. पक्का मेरा बच्चा? थीटा के साथ वाला कॉस, अपोजिट वाला साइन. अरे ये रहा ना थीटा, तो साथ वाला कॉस, अपोजिट वाला साइन. पक्का. बस अब तुझे डायरेक्शन देखने हैं बेटा. ऊपर कौन सा फोर्स जा रहा है? n cos थीटा. नीचे दो फोर्स जा रहे हैं f sin थीटा और mg. करेक्ट. सो देयरफॉर n cos थीटा विल बी इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg. अरे n cos थीटा ऊपर, नीचे ये दो फोर्स, गाड़ी इक्विलिब्रियम में, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करेगा. ले बैलेंस हुआ. बराबर. इसको इधर भेज, इसको इधर ले ले. तो एम जी विल बी एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. इक्वेशन नंबर वन. ये एफ साइन थीटा को इधर लिया तो नेगेटिव हो गया ना, एम जी को इधर ही रहने दिया. ठीक है, और वो इक्वेशन को रिवर्स करके लिखा, टेंशन लेने का. ठीक है. अच्छा अब बेटा गाड़ी ऐसे बोर्ड से बाहर की ओर निकल रही है तो ये जो फोर्स है ये कहां एड कर रहे? सर्कल के सेंटर की ओर. और सर्कल के सेंटर की ओर कौन सा फोर्स जाता है? सर्कल के सेंटर की ओर कौन सा फोर्स जाता है बच्चों? जल्दी से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. सुपर्ब गाइस, सुपर्ब सर.
तो n दो फोर्स है आप गाइस, n साइन थीटा प्लस ये भी तो है f cos थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बराबर ना बच्चों? अरे ये सर्कल के सेंटर की ओर जा रहा है ना, तो ये दोनों फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट? श्योर? चल दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा ये लिख देते हैं तो मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, चलेगा? इक्वेशन नंबर टू। मैं क्या बोलता हूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, टू को वन से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा बोल? एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये एम और ये एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। पक्का मेरा बच्चा? हाँ कि नहीं? अच्छा मेरी बात सुन मेरा बच्चा, ठीक है बेटा। अब ना यहां पर देखिए, ट्रिक सिर्फ यहां मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेगी, एकदम मस्के की तरह सॉल्व करेंगे बेटा, सिर्फ मेरे साथ रहना है। बच्चा यहां पर आके कंफ्यूज हो जाता है, सर अब मुझे कैसे पता चलेगा क्या डिवाइड करना है और क्या नहीं डिवाइड करना है? बच्चा कंफ्यूजन में रहता है यहां पर। सर मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, यहां पर हमेशा वन लाना, यहां पर हमेशा क्या चाहिए मुझे, यहां पर मुझे क्या चाहिए, इसकी जगह पे मुझे चाहिए वन। तो अगर मुझे इसकी जगह पे वन चाहिए तो मुझे एन कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या बोलता हूं, डिवाइडिंग बाय एन कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन आर एच एस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करना है, कहां पर? आर एच एस में सिर्फ। तो क्या मिलेगा बोल मेरा बच्चा? वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा बराबर अपॉन एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। क्योंकि मुझे यहां पर वन चाहिए था तो मैंने सारे टर्म को एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर एन एन कैंसल, ये क्या बचता है, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा, यहां पर कॉस कॉस कैंसल, ये बना एफ अपॉन एन बराबर, ये पूरा कैंसल, आंसर आया वन, और यहां पर f अपॉन n साइन बाय कॉस टैन थीटा बराबर मेरा बच्चा, श्योर? अभी इफ एफ एस क्या है, एफ एस म्यू एस एन, तो v कितना हो जाता है अपना वी मैक्स, v कितना हो जाता है वी मैक्स, तो वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू टैन थीटा प्लस f बाय n, f by n क्या हो गया म्यू एस अपॉन वन माइनस f by n क्या हो गया म्यू एस tan थीटा। पक्का मेरा बच्चा? चल rg को ऊपर भेज तो क्या मिलेगा, v square max is equals to rg ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस tan थीटा। पक्का? तो v max will be equal to root of rg into tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. v max is equals to root of rg into tan theta plus mu s upon 1 minus mu s
tan theta. Clear guys? ये है आपका expression for maximum speed. ये आपका expression for maximum speed. Clear? एकदम पक्का मेरा बच्चा? हाँ कि नहीं? अच्छा अब same guys, same आते हैं minimum speed of a vehicle on a banked road. अब आते हैं हम minimum speed पे. Diagram same, डायग्राम पूरा के पूरा सेम, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है जरा ध्यान देना मेरा बच्चा, क्या चेंज हो रहा है वो ध्यान देना. व्हाट इज चेंजिंग जस्ट पे अटेंशन टू दैट. ठीक है, ये अपना नॉर्मल रिएक्शन एन, ये नीचे अपना वेट एम जी. अब बेटा मेरा स्पीड मिनिमम है, मेरा स्पीड क्या है मिनिमम, मतलब कम है, बहुत स्लो चला रहा हूं मैं गाड़ी. तो जब मैं कर्व ट्रेस करूंगा तो मेरा गाड़ी इनर एज की ओर जाएगा या आउटर एज की ओर जाएगा. मेरा स्पीड कम है और मैं टर्न मार रहा हूं, तो मेरा गाड़ी इनर एज की ओर जाएगा या आउटर एज की ओर जाएगा. जरा जल्दी से बताओ, क्या बात है क्या बात है. बच्चों ने पहले से लिख दिए बेटा, वो ट्रिक है बच्चा, वो ट्रिक है. यहां पर तुझे वन चाहिए, वन फॉर्मूले में वन चाहिए ना, तो ये याद रखने की ट्रिक है कि तू n cos थीटा से डिवाइड कर ले. ये ट्रिक है, मेरी ट्रिक है बाबा, और कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूं. समझ आई कि नहीं बात, वहां पर कोई लॉजिक नहीं है. यहां पर तुझे फॉर्मूले में वन चाहिए ना, तो वन कब मिलेगा, जब तू इस टर्म से डिवाइड करेगा चारों टर्म को. तो वही किया हमने, क्लियर. चलो अब बच्चे यहां पर बोल रहे सर गाड़ी कहां जाएंगी, इनर एज की ओर. अगर गाड़ी इनर एज की ओर जा रही है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा. बच्चों जरा जल्दी से जवाब दो, गाड़ी अगर इनर एज की ओर आ रही है तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बताओ बेटा, दिशा. वेरी गुड, एपिक मार्वल बोल रहा है ऊपर. अरे ऊपर नहीं, आउटर एज की ओर जाएगा. यस और नो? ओके, तो बच्चे बोल रहे सर आउटर एज की ओर ले लो एफएस को. एफएस गया आउटर एज की ओर. ठीक है, चलो कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे मेरा बच्चा. यहां देख ले, ये तो सेम n cos थीटा, ये सेम n sin थीटा, बराबर. श्योर? अब ये fs को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, बराबर ना. तो एक एक होगा बेटा ये वाला कंपोनेंट, और एक होगा मेरा बच्चा ये वाला कंपोनेंट. अग्री करेंगे? अरे हाँ कि नहीं. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, ये थीटा है तो थीटा के नजदीक वाला ये क्या हो गया n, सॉरी f cos थीटा, और ऊपर वाला f sin थीटा. क्लियर? एकदम पक्का? अरे देखना बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक लाइन ये एक लाइन, ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया. थीटा के नजदीक वाला cos, अपोजिट वाला sin, थीटा के नजदीक वाला cos, अपोजिट वाला sin. क्लियर? चल अब मेरी बात सुन, ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर दो जा रहे हैं n cos और fs, नीचे कौन जा रहा है mg, तो क्या मिलेगा बोल मेरा बच्चा. सो देयरफॉर mg विल बी इक्वल टू n cos थीटा प्लस f sin थीटा. चलेगा? ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन, और यहां देख बेटा, ये अब जो डायरेक्शन है ना, पहले ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, अब ये दोनों कौन से डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट. तो जब सेम डायरेक्शन में थे तो हमने दोनों को क्या किया था, ऐड. अब जब अपोजिट डायरेक्शन में तो हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू, अरे बेटा ये जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे यहां पर, तो हमने दोनों को ऐड करके सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था ना. अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट n sin थीटा माइनस f cos थीटा. इक्वेशन नंबर टू. अब पूरा सेम, अब पूरा डेरिवेशन सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा गाइज, माइंड माई वर्ड्स, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा के वैसा ही फिर से सॉल्व करना है. दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1.
टू को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, बराबर। एम एम कैंसल तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी क्या मिलेगा मेरे बच्चों को, बोलो बेटा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी जगह पे अगेन क्या चाहिए अपने को, वन, तो सबको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू एन एन कैंसल, ये हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है, ऊपर आ गया माइनस, ये हो गया एफ बाय एन अपॉन नीचे वन प्लस, ये हो जाएगा एफ बाय एन और ये हो जाएगा टैन थीटा, सेम सेम डिवाइड किया इनसे चारों से तो जो कंसेप्ट आने वाला है, ओके। सो इफ एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन तो वी क्या बन जाता है तेरा, वी मिनिमम, सो वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी को ऊपर भेज दिया टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन थीटा, गाइस डेरिवेशन पूरा सेम है, तो वी मिनिमम विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी इंटू टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन थीटा, क्लियर। ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अब बेटा याद रखना, याद रखना, अगर तेरा रोड, अगर तेरा रोड 45 डिग्री के ऊपर बैंक्ड है तो उसका कोई अपर स्पीड लिमिट होगा ही नहीं, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है। अगर आपका रोड 45 डिग्री के ऊपर बैंड है तो उसका कोई भी अपर स्पीड लिमिट नहीं होगा, ये आपको एक बॉक्स में भी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेगा इस, अब जाते हैं वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ जिसे हम कहते हैं मौत का कुआ, आई होप सो मैंने स्पेलिंग राइट लिखा है, मौत का कुआ, कुआ आई डोंट नो कुआ, आप लोग करेक्ट कर देना उसको, मौत का कुआ, यस बच्चा लोग, मौत का कुआ क्या होता है, मौत का कुआ यहां देखो, ओके, मौत का कुआ ना एक सिलेंड्रिकल ये होता है वॉल, एक सिलेंड्रिकल वॉल होता है, वॉल जिसका रेडियस होता है आर, जिसका रेडियस होता है आर, उसमें एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है बेटा, एक बॉडी क्या परफॉर्म करता है, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ओके। तो अब समझ, जब जब वो बंदा यहां पर है, यहां पर कहीं पर है, ठीक है, अच्छा बेटा आप याद रखना उसका गाड़ी कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है वो वॉल पे ना, ही समथिंग लाइक दिस, ऐसे गाड़ी चला रहा है वो, वॉल के ऊपर गाड़ी चला रहा है ना, तो ही समथिंग लाइक दिस। तो मुझे बताओ यहां पर वो गाड़ी ऐसे ऐसे खड़ी ना उसकी गाड़ी, जैसे मैं खड़ा हूं, आपको सबको दिख रहा हूं ना मैं, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं मेरा कॉन्टेक्ट ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बाहर की ओर आएगा, तो यहां पर अंदर की ओर जाता है नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट, नीचे की ओर तो हमेशा क्या जाता है मेरे बच्चों, वेट, नीचे की ओर हमेशा क्या जाता है मेरा बच्चा, वेट। अब हम लोग निकाल रहे हैं मिनिमम स्पीड, क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम स्पीड। अब बेटा अगर आपने देखा होगा सर्कस में, तो जब वो लोग ऊपर की ओर जाते हैं ना, वो लोग एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, और जब वो लोग नीचे की ओर आते हैं ना, जब वो नीचे की ओर आते हैं तो वो स्पीड घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, करेक्ट। तो मिनिमम स्पीड के लिए मेरा व्हीकल नीचे आ रहा है, अगर व्हीकल नीचे की ओर आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा मेरा बच्चा, ऊपर की ओर, Fs, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इनसाइड अ वॉल ऑफ डेथ, मिनिमम स्पीड मतलब वो स्पीड कम करके अब नीचे की ओर आ रहा है, बेटा नीचे आने के लिए अगर उसने स्पीड बढ़ाई तो वो कहां जाएगा पता नहीं,
जब ऊपर की ओर जा रहा है तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, जब वो नीचे की ओर आ रहा है तो स्पीड को क्या करेगा, कम। अब जब वो स्पीड कम कर रहा है मतलब नीचे की ओर आ रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऊपर की ओर। क्लियर मेरा बच्चा, हाँ कि नहीं, यस और नो? ओके, तो आप कंडीशन अप्लाई कर। ओके, एन एन कहां जा रहा है बच्चों, एन का डायरेक्शन कहां पर है, एन का डायरेक्शन कहां पर है बच्चों, जल्दी से, एन का डायरेक्शन कहां पर है, एन कहां पर डायरेक्टेड है? वेरी गुड, सेंटर की ओर। और सेंटर की ओर कौन सा फोर्स जाता है मेरा बच्चा, जरा जवाब देंगे जल्दी से। आ गया बच्चों का जवाब, सर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एन हो गया मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट, हाँ कि नहीं बच्चों? और वहां देख जरा, ऊपर कौन जा रहा है, एफ एस, नीचे कौन जा रहा है, एम जी, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, बट हमने पढ़ लिया है व्हाट इज एफ एस, म्यू एस एन। एफ एस क्या है मेरा बच्चा, म्यू एस एन, तो एफ एस की जगह पे म्यू एस एन विल बी इक्वल टू एम जी, चलेगा, म्यू एस एन विल बी इक्वल टू एम जी। तो म्यू एस एन की जगह पे व्हाट इज एन, एन क्या है मेरा बच्चा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। अरे एन की वैल्यू डाल दी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट। तो एक एम एक सो देयर फॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, तो वी मिनिमम इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इनसाइड अ वॉल ऑफ डेथ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इनसाइड अ वॉल ऑफ डेथ। क्लियर गाइस, एकदम पक्का बच्चों, जरा जल्दी से थम्स अप दिखा दो, जल्दी से थम्स अप दिखा दो। चलो एनआई आर्मी, एनआई आर्मी जरा ओपी इन द चैट, जल्दी से ओपी कर दो। और आज का अपना लास्ट टॉपिक बचाएगा जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और हमारा आधा चैप्टर प्रिपेयर होगा। गाइस आपने देख लिया है, हमने एकदम डेप्थ में गए हैं, सिर्फ हमने कंसीडर का पार्ट जो होता है वो डेरिवेशन का नहीं लिखा है, बाकी हमने सब कुछ लिख के लिया है। आप देख रहे हो गाइस, तो भी हमने 10 से 15 पेज पढ़ लिए। अच्छा यहां पर एक और एक चीज में लिख दूं, तीसरा मैक्सिमम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर maximum speed of a vehicle on a banked road। Guys, मार्च 2018 में 3 mark के लिए पूछा गया था यह सवाल, 3 mark के लिए पूछा गया था यह सवाल, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। जल्दी से बच्चों, जल्दी से एक बार जरा ओपी कर दो, ओपी, अरे बाप रे इतना सारा ओपी, फोटोग्राफर, योर फोटोग्राफर, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब,
यस चलो तो बढ़े आगे, बढ़ते आगे गाइस। दो पार्ट, एक पहला अपना कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है गाइस, व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम। ओके, इट इज अ सिंपल पेंडुलम विच इज गिवन सच अ मोशन दैट इट्स बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसे हम ऐसा मोशन देते हैं कि उसका बॉब क्या डिस्क्राइब करता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, और स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब करता है मेरा बच्चा, कोन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जरा यार ध्यान दो बच्चों, डायग्राम से जरा अच्छे से ध्यान दो, फटाक से समझ जाएगा, एकदम इजी टॉपिक है मेरे बच्चों का। ठीक है, ओके गाइस जरा ध्यान दो यहां पर। ठीक है, जब बॉब इस पोजीशन में, व्हेन बॉब इज इन दिस पोजीशन, ध्यान देना बच्चों, यहां पर ये मेरा बॉब है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, और ये लेंथ है, लेंथ दिस इज एल, और ये सर्कल का रेडियस है आर, करेक्ट। तो व्हेन द बॉब इज इन गिवन पोजीशन, व्हेन द बॉब इज इन गिवन पोजीशन, नीचे की ओर, नीचे की ओर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा गाइस, नीचे की ओर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सर mg एक्ट करेगा, एंड अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या एक्ट करेगा, बॉब के वजन की वजह से स्ट्रिंग में क्या एक्ट करेगा, सर स्ट्रिंग में एक्ट करेगा टेंशन, क्या एक्ट करेगा टेंशन। ठीक है, अब बच्चा जरा ध्यान देना, अगर अगर मेरा ये एंगल थीटा है, ओके, तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल जरा देख, करेक्ट। तो अब मैं टेंशन, तेरा mg तो वर्टिकल के साथ जा रहा है, लेकिन टेंशन वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, तो उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, बाजू वाला हो गया t cos थीटा, अपोजिट वाला हो गया t sin थीटा। ठीक है, अरे बेटा बॉब जब इस पोजीशन में था, नीचे की ओर उसका वेट एक्ट कर रहा था, स्ट्रिंग में क्या एक्ट कर रहा था, टेंशन, स्ट्रिंग में क्या एक्ट कर रहा था, टेंशन। ठीक है, अब टेंशन को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को, तो पहला क्या मिला, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमजी, इक्वेशन नंबर वन। और जरा बेटा चेक कर टी साइन थीटा का डिरेक्शन कहां पर है, जरा जल्दी से चैट में, चैट में टी साइन थीटा का डिरेक्शन कहां पर है, टी साइन थीटा का डिरेक्शन कहां पर है, जल्दी से रुका हुआ आपके लिए, करेक्ट। तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर टू। मैं क्या बोलता हूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, टू को वन से डिवाइड करो, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, एक एम कैंसल, टी टी कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या बना मेरा बच्चा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आर जी को ऊपर भेज, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। तो वी क्या मिला मेरा बच्चा, वी, वी इज रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, वी क्या है मेरा बच्चा, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, करेक्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ बॉब, ये किसका वेलोसिटी है बेटा, मेरे बॉब का वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर अ कोनिकल पेंडुलम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ इट्स बॉब, क्लियर, मेरे बच्चे को पहचान में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब पूछा क्या है सर, टाइम पीरियड किसका, कोनिकल पेंडुलम का, अपने को मालूम है व्हाट इज टी, टी इज 2 पाई आर अपॉन वी, पढ़ चुके बहुत सी बार, 2 पाई आर अपॉन वी, अरे सरकमफेरेंस,
टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस, नीचे वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी तो अपने को मिल गया, कितना मिला वेलोसिटी, रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, बराबर ना, ये रहा, v की जगह पे लिख दिया, ठीक है। अब ये r दिख रहा है, r क्या, इस r को मैं रूट के अंदर ले सकता हूं, तो t क्या मिलेगा, t 2 पाई रूट ऑफ r स्क्वायर अपॉन r g tan थीटा। r को रूट के अंदर लिया तो r स्क्वायर हो जाएगा ना, एक r कैंसिल, तो t क्या मिला मेरे बच्चा, 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g, tan की जगह पे साइन और cos को ऊपर ले लिया, cos tan की जगह पे साइन अपॉन cos, cos को ऊपर ले लिया। अभी फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, अब फिगर में देख, फिगर में ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये r है, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट मतलब r, हाइपोटेनियस मतलब l, तो साइन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, बोल मेरा बच्चा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ r cos थीटा अपॉन g r अपॉन l, r r कैंसिल, t को ऊपर ले, 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। एकदम पक्का बच्चा, हा कि नहीं, श्योर, यस और नो मेरा बेटा। अब लास्ट पार्ट पे आते गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए, वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन, वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन। बेटा अक्सर बच्चों को वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन डिफिकल्ट जाता है, लेकिन एनआईई के बच्चों को नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ही समझ के लेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, समझ के लेंगे। सिर्फ एक मिनट पानी पी लूं। ओके शुरू करें गाइस, ठीक है। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके ये पॉइंट लेता हूं मैं, ए बी सी, ठीक है। यहां से लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहां से ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहां से ये लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्लियर मेरा बच्चा, एकदम पक्का। लास्ट वाला थोड़ा सा, यस ठीक है गाइस, लेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बी v1, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी v2, वेलोसिटी एट मिडवे बी पॉइंट v3, ठीक है। बेटा हमने क्या किया, हमने एक पत्थर लिया, पत्थर को एक थ्रेड से बांधा और उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाया, ये होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब तक हम लोग ये वाले बात कर रहे थे, ये होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर दोनों में फर्क क्या है, फर्क है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होता है हाईएस्ट लोवेस्ट और मिड पॉइंट पे। हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलते रहता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होता है और मिड पॉइंट मिडवे पे क्या होता है, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है मेरा बच्चा, एकदम पक्का। ओके अब
हमने क्या लिया, हाईएस्ट पॉइंट ए, लोवेस्ट पॉइंट बी एंड मिड पॉइंट सी, ठीक है। वी वन वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वी टू वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वी थ्री वेलोसिटी एट मिड वे। अब बेटा जब पार्टिकल यहां पर होगा, यहां पर करेक्ट, तो नीचे की ओर तो क्या एक्ट करेगा, वेट एम जी बराबर, और स्ट्रिंग में नीचे की ओर और क्या एक्ट करेगा, टेंशन टी वन। अग्री करेंगे मेरे बच्चे, हाँ कि नहीं मेरा बच्चा, नीचे की ओर और क्या एक्ट करने वाला है, टेंशन टी वन बराबर, एकदम पक्का। अरे हाईएस्ट पॉइंट पे सर टेंशन ऊपर, ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर स्ट्रिंग है क्या, ऊपर स्ट्रिंग ही नहीं है, स्ट्रिंग तो नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर टेंशन टी वन और एम जी। ओके अब बेटा ये दोनों, ये दोनों कहां जा रहे जरा चेक कर, दोनों कहां जा रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स की ओर जा रहे दोनों, दोनों सर्कल के सेंटर की ओर जा रहे। सो देयरफॉर, देयरफॉर टी वन प्लस एम जी विल बी इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर वन। हाईएस्ट पॉइंट पे टी वन भी नीचे एम जी भी नीचे, दोनों सर्कल के सेंटर की ओर, तो दोनों को ऐड करके सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब बेटा जरा चेक कर बी पर, बी पॉइंट बी पर नीचे की ओर वेट एम जी, लेकिन टेंशन तो ऊपर की ओर ही जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऊपर है, स्ट्रिंग ऊपर है ना, और टेंशन कैसे ऐड करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे, स्ट्रिंग ऊपर है ना, नीचे थोड़ी है यहां पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऊपर है, तो टी टू ऊपर की ओर जाएगा, करेक्ट। सो क्या मिलेगा हमें, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो क्या मिलेगा, टी टू माइनस एम जी विल बी एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए माइनस की साइन डाल दी, करेक्ट। अच्छा अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ठीक है करेक्ट, यही टेंशन है टी थ्री और यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टी थ्री इज इक्वल्स टू एम वी थ्री स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर थ्री। तीनों टेंशन के एक्सप्रेशन कैसे आए बेटा, समझा, टॉप पोजीशन पे टेंशन एम जी दोनों नीचे की ओर आ रहे थे, दोनों को ऐड करके सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दिया, नीचे की ओर टी टू और एम जी का डायरेक्शन अपोजिट था, क्यों अपोजिट था डिस्कस किया, इसीलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया। हर 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 केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वी वन है, वी टू है और यहां पर वी थ्री है, और मिडवे पे, मिडवे पे टी थ्री किसको बैलेंस करेगा, अकेला सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो टी थ्री इज इक्वल टू एम वी थ्री स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर गाइस, एकदम पक्का श्योर, ये तीनों टेंशन, ये तीनों क्लियर है। अच्छा अब आते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है बेटा। जब आप घुमाते हो ना, याद रखना, जब आपका स्ट्रिंग ऊपर की ओर जाता है ना तो हल्का हो जाता है, और जैसे नीचे आ जाता है ना हैवी हो जाता है, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए टेंशन एट हाईएस्ट पोजिशन शुड बी मैक्सिमम, टेंशन एट हाईएस्ट पोजिशन शुड बी मिनिमम, मिनिमम मतलब टी वन विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहां पर डाल। सो देयरफॉर एम जी क्या मिलेगा बेटा, एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर, एम एम कैंसिल, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, तो वी वन कितना मिलेगा मेरे बच्चे को, रूट आर जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। गाइस टू मेंटेन सर्कुलर मोशन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी मिनिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम, मतलब मैंने टी वन को क्या ले लिया, जीरो, टी वन को जीरो ले लिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन में एम जी इज इक्वल टू ये मिला, एम एम कैंसिल, आर को ऊपर भेजा, वी वन स्क्वायर क्या मिल गया, आर जी, तो वी वन क्या मिल गया, रूट आर जी, बराबर बेटा एकदम पक्का। अच्छा अब आते हैं वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बी,
वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट बी, ठीक है। अब जरा अच्छे से सुन मेरा बच्चा, लोवेस्ट पॉइंट बी पे। अब बेटा ये चीज ना बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, यहां बच्चा आके अटकता है, यहां बच्चा हो जाता है पैनिक, यहां बच्चा बोलता है सर डेरिवेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मेरी बात जरा अच्छे से सुन, अच्छे से सुन। देख बेटा पॉइंट बी, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर। चलेगा क्या बी, ये ए, और सी पे कितना होगा काइनेटिक एनर्जी बेटा, हाफ एम वी थ्री स्क्वायर। चलेगा ओके। अब बेटा मैं बी को ग्राउंड कंसीडर कर सकता हूं, ग्राउंड, अगर मैंने बी को ग्राउंड कंसीडर किया तो पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हाइट कितना है जीरो, ग्राउंड पे हाइट कितना होगा जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, एच अगर जीरो हो गया, एच कितना हो गया जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, बराबर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच, एच कितना है बेटा, एच आर प्लस आर टू आर, तो ये हो जाएगा एम जी टू आर, एम जी टू आर। अच्छा सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सी पे हाइट कितना है, रेडियस आर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना हो गया, एम जी आर। बस ये कंसेप्ट समझना है गाइस आपको। तो देख जब मेरा पार्टिकल बी से ए जा रहा है, जब मेरा पार्टिकल बी से ए, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है जीरो से मैक्सिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, हाँ के नहीं। अरे एनर्जी तो कन्वर्ट होता है ना एक से दूसरे में, तो अगर बी से ए जाते समय पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो बी से ए जाते समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन पीई फ्रॉम ए टू बी is equal to change in KE from B to A, उल्टा A, B से A जाने में potential energy घट रहा है, sorry B से A जाने में potential energy बढ़ रहा है, kinetic energy घट रहा है, तो change मतलब PEA minus PEB, change कैसे निकालते हैं minus करके, is equals to KEB माइनस के ई ए, तो एम जी टू आर माइनस जीरो इज इक्वल्स टू हाफ एम वी टू स्क्वायर हाफ एम वी वन स्क्वायर, पक्का। तो ये हो गया टू एम जी आर, टू को आगे ले लिया, इज इक्वल्स टू हाफ एम कॉमन वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये एम कैंसल, टू टू सा 4RG is equals to V2 square minus, what is V1 square? V1 square क्या है मेरा बच्चा? RG. तो यहां पर RG लिख सकता हूं, माइनस RG इधर आया तो प्लस, तो V2 square क्या मिलेगा बेटा? 4RG plus RG, तो V2 कितना मिलेगा बेटा? रूट ऑफ 5RG. एड किया तो 5 square root निकाला तो रूट आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा गाइस, ऊपर था रूट आर जी, इधर पे रूट फाइव आर जी, बराबर ना, एकदम पक्का। अच्छा नेक्स्ट सेम, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट सी, वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट सी सेम। देख ध्यान दे बच्चा, बच्चा जब तू सी से ए जा रहा है, सी से ए, पोटेंशियल एनर्जी अगेन इंक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो सेम कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोलो चेंज इन
PE from A to C will be equal to change in KE from B to, sorry, C to A. करेक्ट, तो ये हो जाएगा PE A माइनस PE C विल बी KE C माइनस KE A. ये हो जाएगा MG2R माइनस MGR इज इक्वल्स टू हाफ एम वी थ्री स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर. अगली बच्चा 2 माइनस 1 ये दो है ना, 2MGR माइनस MGR, हाफ एम कॉमन, V3 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा MGR इज इक्वल्स टू हाफ एम V3 स्क्वायर माइनस, ये हो गया RG, V1 स्क्वायर की जगह पे RG लिख दिया, तो MM कैंसिल, 2RG इज इक्वल्स टू V3 स्क्वायर माइनस RG, इधर आया तो V3 square is equals to 3RG. तो V3 क्या मिला मेरे बच्चे को, root of 3RG. Clear बच्चों? एकदम पक्का guys? Clear guys? एकदम पक्का? हाँ के नहीं बच्चा लोग? Sure? This is your vertical circular motion, जो बच्चों को बहुत अच्छा. एक और एक पार्ट बहुत सी बार टीचर्स पूछ लेते हैं इसमें, derive the expression for difference in tension. तो आपको इन दोनों को subtract कर देना है, इन दोनों को subtract कर देना तो T2 minus T1 मिल जाएगा आपको, difference in tension at highest, lowest and highest point. इन दोनों को subtract कर देना है, T2 minus T1. Tension लेने का नहीं, tension बिल्कुल लेने का नहीं. Clear मेरा बच्चा? Sure. ओके अच्छा, अब लास्ट पार्ट है इस सर्कुलर मोशन का, स्पीयर ऑफ डेथ. करेक्ट, स्पीयर ऑफ डेथ क्या है गाइस? स्पीयर ऑफ डेथ में, स्पीयर ऑफ डेथ का कोई डेरिवेशन नहीं है प्रिसाइज. ओके, स्पीयर ऑफ डेथ एक ऐसा है जिसमें पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो यही कंडीशन बनती है. लेकिन वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के पहले छोटे 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 क्या ट्रेस करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और उसके बाद वो क्या बनाना शुरू करता है, वर्टिकल. कोई भी डायरेक्टली वर्टिकल सर्कल नहीं बना पाएगा, पहले उसको छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाना पड़ेगा और फिर वो वर्टिकल सर्कल बनाएगा. ये कंसेप्ट है स्पीयर ऑफ डेथ का. क्लियर बच्चा लोग? एकदम पक्का? यस. क्या नाम है बच्चे का? परिस. बेटा एमजी फोर्स है लेकिन लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, इसीलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि हम डील किसके साथ कर रहे हैं, टेंशन. अब जब जब पॉइंट सी पे आता है, सी पे, तो सी पे यहां पर टेंशन एक्ट कर रहा है सेंटर की ओर, तो एमजी का कुछ काम ही नहीं है, इसीलिए हम लोग एमजी को कंसीडर करते नहीं है. नो डाउट वहां पर एमजी एक्ट हो रहा है, नो डाउट. समझ गया पारिस? बच्चों क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट, आपका पहला पार्ट सर्कुलर मोशन. आज हमने पूरा डिटेल में खत्म किया है, डिटेल में. ओके गाइस, डिटेल में. ओके, लास्ट एक और एक बार लिखा दूं, भूल गया मैं, कहीं भूल ना जाऊं. फोर्थ, डिराइव एन एक्सप्रेशन for velocity at different point for a particle performing vertical circular motion. गाइज मार्च 2019 में 3 मार्क के लिए पूछा था ये क्वेश्चन, मार्च 2019 में. क्लियर गाइज? एकदम पक्का? श्योर?
और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं लू तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। क्लियर मेरा बच्चा? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पक्का गाइस? एकदम पक्का? जरा जल्दी से गाइस, जल्दी से कसा वाटले तुम्हारा लेक्चर, एकदम जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट में, जल्दी से कसा वाटले तुम्हारा लेक्चर पटकन पटकन। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं ठोका है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। जल्दी से लाइक ठोक दो। और यहां हमारे सेंटा क्लॉस आ चुके हैं तो मैं सेंटा क्लॉस को लेके आ सकता हूं, जिन्होंने 24 दिसंबर को एक दिन पहले बहुत ही शानदार गिफ्ट दिए सारे महाराष्ट्र के बच्चों को वन शॉट रिवीजन लाके। तो प्रशांत सर हमारे इस साल के सेंटा क्लॉस है। ओके सर, आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। नहीं नहीं सर। ओके सो गाइस, जल्दी से एक बार क्विकली कैसा था सेशन, जल्दी से। So we'll stop here for the day. Wednesday के दिन हम लोग rotational motion start करके खत्म करेंगे। Till the time, keep studying. Bye. Love you all, guys. Hello everyone. तो finally सर ने आज एकदम पूरा खून पसीना एक कर दिया आप लोग को पढ़ाने के लिए। और आज का जो ये क्वालिटी कंटेंट था, मैं यहीं पे था गाइस, और सर ने इतना धमाकेदार तरीके से पढ़ाया है ना कि अगर कोई भी इवेंट, मैंने देखा कि कुछ टीचर्स भी अपने आज वीडियो देख रहे थे, कुछ अमरावती से नागपुर से, तो उन्होंने भी कहा ऑसम, सीरियसली ऑसम वीडियो था। क्योंकि जो आज का ये सेशन था ना सर ने, अभी देखो रोटेशनल डायनेमिक्स में दो दो टॉपिक्स हैं, उसमें से सर्कुलर मोशन वाला पार्ट सर ने ख़त्म किया, तो बहुत सारे टीचर्स के कॉल भी आए, इवन मैसेज भी किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि हम भी यही वीडियो रेफर कर रहे हैं। सोचो, मतलब वो भी फिर आगे शेयर करेंगे। बहुत से तो ट्यूशन के टीचर यही वीडियो देख के अपने बच्चों को शेयर कर देते हैं, आप सबने ये चीज़ देखी भी होगी। तो यार ये वीडियो की क्वालिटी एकदम ऑसम थी। कोई भी बच्चा जिसने कभी रोटेशनल डायनेमिक्स इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, उसने अगर वन टाइम भी रीडिंग की ना और इस वीडियो को देख लिया, धमाका हो जाएगा। तो यार महाराष्ट्र का हर बच्चा बच्चा अब क्वालिटी एजुकेशन पाएगा और हर बच्चा अब जीवन में आगे बढ़ेगा। बस शर्त ये है कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम सब एक साथ होके आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो फिर तुमको पता है ना वही डिवाइड एंड रूल, फिर हमें ही लोग डिवाइड करेंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें सबको साथ मिलके काम करना है, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है और हमें सबको आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान देना। और तुमको अपना करियर बनाना है, अपने करियर के लिए सेल्फिश बनो और खुद के लिए टाइम बनाओ, मैनेजमेंट करो। और एक चीज़ और कहूँगा कि अब हम मैदान में उतर गए हैं तो कम से कम 5 से 6 GB का इंटरनेट भरवा लिया करो, क्योंकि लेक्चर्स धमाकेदार हो रहे हैं और इंटरनेट के वजह से तुम्हारा लेक्चर बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरनेट भी तो मैं दे नहीं सकता, तो अब बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो इंटरनेट भी तो वो तुम करवा सकते हो, तो इतना तो यार एटलीस्ट आप लोग कर ही सकते हो खुद के लिए। ठीक है, तो यार इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर हमारा मोटिवेशन नहीं बनेगा और फिर एट द एंड ऐसा लगेगा कि यार हम क्यों लेक्चर ले रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकते हो अपने कॉलेज में, टीचर्स को, ट्यूशन के बच्चों को, हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम। यार तुमको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट के जो टीचर्स हैं ना, उनके जो स्टूडेंट होते हैं ना, छोटी छोटी रील्स, जैसे सर ने कभी मोटिवेशन बना दिया, कुछ बोल दिया सर ने, तो ऐसे वो लोग कट क्रॉप करके डालते रहते हैं। आप लोग भी ये काम कर सकते हो, तुम लोग तो और अच्छे एडिटर हो। और मराठी में कितने अच्छे अच्छे गाने अवेलेबल होते हैं, हिंदी में अवेलेबल होते हैं, तो वो सब तुम अप्लाई करके डाल सकते हो, टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम में, हर जगह तुम लोग खुद यार सपोर्ट कर सकते हो। तुम लोग खुद एनआई आर्मी एकदम धमाकेदार तरीके से कुछ भी कर सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम पहला कदम तो उठाओ, फिर देखो क्या होता है आगे चल के। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन सर, एंड तुम सब ने देखा, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अब पेड वाले बच्चों का भी सेशन है, तो सर सोचो अभी आज 4 घंटे का लेक्चर लेंगे, इतनी हार्ड वर्क लगातार तुमको खड़ा कर देंगे ना, तुम बोलोगे मेरा पैर दुखने लग गया, ये होने लग गया, वो होने लग गया। सर लगातार 4-4.5 घंटे सेशन लेने वाले हैं, सोचो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। बस तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पूरी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी, इस बात को ध्यान देना। तो प्लीज़ फोकस करना पढ़ाई में। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।